भागलपुर वासियों के लिए एक बड़ी सूचना है, खासकर भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले लोग या फिर जो दक्षिण क्षेत्र की ओर जाना चाह रहे हैं। दरअसल भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र को कनेक्ट करने वाला भोलानाथ और बौसी पुल एक महत्वपूर्ण रास्ता है, परंतु अब कुछ दिनों तक इस पर परिचालन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भोलानाथ आरओबी का निर्माण किया जा रहा है और अब इसमें गति आ गई है। अब भोलानाथ फ्लाईओवर के लिए पाइलिंग का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके लिए शीतला स्थान चौक से बौसी रेलवे अंडरपास के बीच फिलहाल परिचालन पर रोक लगा दी गई है। तो अगर आप मिर्जान से शीतला स्थान चौक होते हुए बौसी पुल की ओर जाना चाह रहे हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आवागमन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। दोपहिया वाहन समेत अन्य सभी प्रकार के वाहन के परिचालन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से सड़क पर दोनों ओर से बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और आवागमन को बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि मिर्जान से शीतला स्थान चौक और भीकनपुर गुमटी नंबर 3 के बीच लगभग 1400 मीटर का भोलानाथ आरओबी का निर्माण होना है। इसके लिए 9 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक दोपहिया वाहन समेत सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि वैकल्पिक रास्ते में मिर्जान हाट शीतला स्थान चौक से गोरट्ठा चौक होते हुए वहां जा सकते हैं, जबकि कचहरी चौक से शीतला स्थान जाने वाले वाहन भीकनपुर से कोयला डिपो की ओर गोरट्ठा चौक होते हुए आगे जाएंगे। वहीं लालूचक अंगारी कुम्हार टोली होकर गाड़ियां जाएगी, लेकिन मिर्जान से भीकनपुर कचहरी की ओर जाने वाले वाहन सिकंदरपुर गोरट्ठा चौक मुजाहिदपुर अलोहिया पुल होकर जाएगी। उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर के बाद ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा, जिसके बाद छठ पूजा के बाद ही ट्रैफिक को फिर से ब्लॉक किया जाएगा। हम आपको बता दें, भोलानाथ आरओबी का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। पहले फेज में नाले का निर्माण किया जा रहा था ताकि ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जा सके, और अब सोमवार से बिजली के पोल तार का शिफ्टिंग शुरू होना है, जिसके लिए पाइलिंग की जा रही है। तो अगर आप भोलानाथ पुल की ओर से किसी तरह के वाहन को लेकर जाना चाहते हैं तो अभी फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। आपको शीतला स्थान चौक के पास से ही मुड़ जाना होगा और लोहिया पुल होते हुए ही आप शहर में प्रवेश कर सकते हैं। भोलानाथ पुल पे आपको आरओबी जो बनना है ऊपर से, ये ब्लॉक के लिए बहुत दिन से चल रहा था। एसडीओ साहब लेकिन तो ये तय हुआ कि जितना लेट करेंगे एक न एक समय तो ब्लॉक करना ही है, कुछ पब्लिक को असुविधा हो, तो आखिर बात करना स्टार्ट करना है। इसलिए वो कुछ अभी 7 दिन 8 दिन का ब्लॉक लेगा, कुछ उसका काम है पोल पाइलिंग वगैरह क्या करेगा, पोल वगैरह सब शिफ्टिंग करेगा। तो उनके पुल निगम के इंजीनियर लोग आए थे, आज ही आए थे, वो हम लोगों का ये राय है कि भोलानाथ पुल जब से जो सरकारी तरफ से जाएंगे तो पेट्रोल पंप के बाद पहला जो अंडर पास से बाद बाएँ रास्ता मिल जाता है, वो ब्रिज नंबर 2 से अंडर पास घुस के और राइट टर्न करके उसके बाद आने का प्राप्त मैंने ये कर सकते हैं। लोग थोड़ा सा पैदल रास्ता तो घूमना होगा जैसे दिक्कत होगा, और शीतला स्थान से दूसरी रास्ते का प्रयोग करके यहाँ आ जाएंगे। एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता है कि शीतला स्थान से गोरट्ठा चौक जाए और गोरट्ठा से आए तो कितना लोड रहेगा, कितना रोड पर कितना लोड है, लोड पड़ेगा तो लोड कितना पड़ेगा उस पर हम लोग को करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा चेंज करने का सोच रहे हैं, अगर बहुत लोड होगा तो हम लोग टाउन से बाहर निकलने वाले लोग जाएंगे, से जो जाएंगे गोरट्ठा चौक से सीधे हम लोग का आपस में विचार हो रहा है कि सीधे अलीगंज ले जाएँ, अलीगंज से स्पर्श करें पाए तो ये रास्ता, चूँकि टाउन आने वाले को बहुत लफा या घुमावदार हम लोग नहीं दें और सुविधा न करें टाउन आने के लिए, उसी तरह स्थान से गोरट्ठा होकर भी आ सकते हैं। और वो डिवाइन पर होता है अंडर पास पर लिखा हुआ है नंबर 2 जो करते हुए यहाँ चले आएंगे भोलानाथ पुल क्या करते हैं कोयला के पास और उसके रास्ते से निकलते जो नंबर ट्रेन बंद रहेगा अभी नहीं नहीं बहुत छुट्टी रहेगी, बट बाइक बंद रहेगा क्योंकि खतरा होने की संभावना है, कोई वेट नहीं करता। आज के लड़के इतना वेट करके नहीं, बाइक को भी धोखा हो जाएगा, जो काम करने वाला कोई घटना घट जाएगा तो जवाब आपको जवाब नहीं। अब मेन मतलब ये आप काम नहीं कर पाएगा, उसका समय बहुत मरेगा और आपका भी टाइम किल होते जाएगा। एक रास्ता बंद करा देंगे, कल दो रास्ता का प्रयोग किया जाएगा, ये है
और बहुत अर्जेंट है और बहुत ही मतलब भागलपुर के लिए वो तय करेगा, एक दिन का पत्र साबित होगा, वो बन जाएगा आरोपी के लोग आसान होगा। 14 तारीख से